इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फिजिकल एजुकेशन की तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। बस अपना हेडफोन लगाए। हेलो, अरे जकी भाई, आप पी के वीडियो सबसे शुरू में क्यों डाल देते हो? बाकी यूट्यूबर्स की तरह एंड में क्यों नहीं डालते हो? क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह एग्जाम टाइम में व्यूज बटोरने के लिए नहीं, सेशन के स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाता हूं। जाओ, मैं तो पापा हूं, पापा इस दुनिया का पापा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं जानता हूं कि आप काफी दिनों से मेरा इंतजार कर रहे थे कि कब मैं क्लास 12 के लिए डेडिकेटेड फिजिकल एजुकेशन की सीरीज स्टार्ट करूं। तो लेकर आ चुका हूं एक नई सीरीज जिसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के लिए पूरे के पूरे वन शॉट के थ्रू वीडियोस, जो कि डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं। इन वन शॉट वीडियोस को देखने के बाद आप लोग की प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो जाएगी। साथ में अगर आप मेरे साथ डेडिकेटली फिजिक्स पढ़ना चाहते हो क्लास 12 का, जहां पे मैंने पार्टी सीरीज लेकर आया हूं मीम मटेरियल के साथ, उसको भी देख सकते हो। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे दूसरे चैनल की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो 2023-2024 के लिए रहने वाला है। तो भाई, मेरा एम फिजिकल एजुकेशन में हमेशा से ये रहा है कि एग्जाम से दो दिन पहले मैं आकर नहीं पढ़ाता हूं बाकी यूट्यूबर्स की तरह, कि मैं सेशन के स्टार्टिंग से आप लोग को फिजिकल एजुकेशन में हेल्प कर सकूं। बिकॉज यूनिट टेस्ट भी आते हैं, हाफ ईयरली भी आती है, प्री बोर्ड भी आते हैं, उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सको। और एटलीस्ट स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो एंड तक के बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। और मेरी गारंटी है कि सीरीज में आप लोग 100 out of 100 आराम से 12th में ला सकते हो। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो कि मेरे बारे में नहीं जानता, मेरे नाम जकी है, मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूं जो आप लोग को फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाता हूं प्यारे तरीके से। तो आप लोग मेरे साथ इस चैनल में पढ़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को एंड तक के देखना, क्योंकि जो भी चैप्टर के अंदर आप लोग को पढ़ाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहेगा और सफिशिएंट रहेगा। तो बस इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ लेना है और हां, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करोगे? तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं एक वन ऑफ द बेस्ट बुक जो रहने वाली है ओसवाल गुरुकुल की। इस बुक के अंदर खासियत यह दोस्त कि अगर आप मान लो पीसीएम से हो तो पांचों के पांचों पीसीएम के सब्जेक्ट इसके अंदर मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन। तो एक बुक के अंदर ही सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग को कवर अप हो रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स के। तो बहुत तगड़ी बुक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल है। भैया हम तो कॉमर्स के, तो कॉमर्स के लिए भी मिल जाएगी, पांचों सब्जेक्ट के लिए। ह्यूमैनिटी से हो तो ह्यूमैनिटी के लिए भी मिल जाएगी, बायो वाले तो बायो वालों के लिए भी मिल जाएगी। तो सबके लिए बुक बनाई गई है, एक ही बुक के अंदर सारा कंटेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है और सारे क्वेश्चंस को ये कवर अप करवा रहे हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ढेर सारी बुक्स को ना लेते हुए एक बुक ले लो जिसके अंदर सारे पांचों के पास सब्जेक्ट कवर अप हो जाए। तो ये बुक रहने वाली ओसवाल गुरुकुल की, वन ऑफ द बेस्ट बुक, इसको अपनी प्रिपरेशन में अपना साथी जरूर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट नंबर 1 को जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे साथ डेडिकेटली फिजिक्स का कंटेंट कवर अप करना चाहते हो आपके क्लास 11 के लिए, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेडिकेटेड फिजिक्स का चैनल अलग है जहां पे वन शॉट सीरीज आप लोग के लिए चल रही है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज सब कुछ मैं कवर अप करवा रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसी के साथ साथ इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो अप करें सो दैट हमारा दिल से रिश्ता हमेशा ज्वाइन रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना सो दैट क्लास की सारी अपडेट्स आप लोग को बेझिझक मिलते रहेगी। इसी के साथ साथ अनअकैडमी में फॉलो अप कर लेना क्योंकि यहां पे मैं लाइव सेशंस आप लोग के लिए लेता हूं क्लास 12 के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई आप लोग के लिए अभी चल रहा है अनअकैडमी में 25% ऑफ, तो आप लोग यूज कर सकते हो मेरे कोड जिसके थ्रू आप लोग को स्पेशल 25% ऑफ मिल जाएगा और सीमलेस प्रिपरेशन आप लोग अपने घर बैठे कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाइए, कोड यूज करिए और अपनी घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन करिए मेरे और बाकी सभी एजुकेटर्स के साथ। इसी के साथ साथ इस चैप्टर के पूरे नोट्स आप लोग को मेरी वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़े, तो मैंने खुद की टेक्स्ट बुक लॉन्च कर दिया हूं आप लोग के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिसके अंदर चैप्टर वाइज सारा कंटेंट टेक्स्ट बुक आप लोग को अवेलेबल है। ये मेरी सेकंड एडिशन बुक रहेगी, ये मेरी खुद की बुक है, इसको आप ले सकते हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीजें कवर अप करा के दिया हूं, मेरी गारंटी है इसको पढ़ने के बाद आप लोग का कोई टॉपिक नहीं छूट पाएगा। तो ये बुक लॉन्च होने वाली है 1 जुलाई को, तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से इसको फिजिकल फॉर्मेट में अवेल कर सकते हो, गूगल प्ले बुक और साथ ही साथ किंडल में भी आप लोग को मिल जाएगी। और अभी आने वाली, उससे पहले मैं आपको एक डिस्काउंट कोड बता देता हूं, भैया जकी 20 कोड यूज कर लेना, 20% ऑफ मिल जाएगा आप लोग को इस बुक के अंदर। अगर आप 1 जुलाई के बाद देख रहे हो वीडियो तो आप लोग के लिए बुक आ चुकी होंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना, हम लोग ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप लोग के लिए बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। कई लोग कहेंगे कि भैया क्या ये वीडियो सफिशिएंट है? 2000% सफिशिएंट ये वीडियो है, इसके अलावा कोई और वीडियो
देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो या फिर फाइनल एग्जामिनेशन, सब में ये वीडियो आप लोग के लिए कारगर होने वाला है। तो ये देख लो भाई, आप लोग के सिलेबस में कुछ चेंजेस आया है 2023-2024 के लिए। तो इसमें ना आप लोग के लिए कुछ टॉपिक को एड ऑन किया गया है। जैसे देखो, फिक्स्चर्स में ना एक नई मैथड इंट्रोड्यूस करी गई है, टेबुलर मैथड, जो इससे पहले नहीं थी। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल वाला जो टॉपिक है ये एड ऑन हुआ है, और कम्युनिटी फॉर स्पोर्ट्स प्रोग्राम ये एड ऑन हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कि आखिर फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। तो फिजिकल एजुकेशन दोस्तों एक ऐसे टाइप का प्रोग्राम है जिसमें कि यार इंसान का, जो भी इंडिविजुअल पर्सन पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अब आप कहोगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है भैया? तो ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब होता है उस इंडिविजुअल पर्सन का, जैसे ही वो फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा। तो सारे टाइप के डेवलपमेंट उसके अंदर देखने को मिलेंगे और इंडिविजुअल पर्सन अपने आप को फिजिकली फिट बना पाएगा और मेंटली स्ट्रांग बना पाएगा। तो फिजिकल एजुकेशन मेनली इसी पे काम करता है, और फिजिकल एजुकेशन जो स्पेसिफिकली एक प्रोग्राम है वो इसी पे बेस्ड आप लोग को देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। टॉपिक निकल के आता है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आप लोग मान लो एक स्पोर्ट्स का इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो कौन कौन से फंक्शंस रहेंगे, क्या क्या आप लोग को करना रहेगा, उसके बारे में डिटेल में इसमें बात होने वाली है। इसमें आगे बढ़ने से पहले पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये स्पोर्ट्स इवेंट क्या होते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट एक्चुअल में आप लोग जानते होंगे हर स्कूल में, हर सोसाइटी में, हर इवेंट में, हर जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जिसके थ्रू इंडिविजुअल पर्सन की, चाहे यूथ हो, चाहे चिल्ड्रंस हो, चाहे वो एडल्ट हो, सबका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे तो फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली वेलबींग रहोगे, और सारे टाइप के बेनिफिट्स आप लोग को मिलने वाले। अब अगर अच्छे से एक स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना है तो प्रॉपर फंक्शनिंग की जरूरत पड़ेगी भाई। सही तरीके से पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज होना चाहिए ना। मान लो यार आप अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि यार कल बर्थडे उसका और आप लोग जिस दिन बर्थडे उसी दिन सोचोगे। भाई जो बंदा है वो 5 दिन पहले से सोचने लग जाता है कि पहले तो उसको घर से लेकर कैसे आना बाहर तक, कौन उसका दोस्त लेकर आएगा, कहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज करना है। दूसरे दोस्त को फोन लगाएंगे कि अरे भाई 5,000 उधार दे दे, है ना, और उस उधारी को वो अगले साल तक के चुकाएगा। तो ये सभी चीजें रहती है। तो सब टाइप के फंक्शंस होते हैं हर चीज में, या चाहे किसी भी टाइप का स्पोर्ट्स इवेंट हो, उसके लिए एक प्रॉपर फंक्शन लगता है, प्रॉपर मैनेजमेंट लगता है। अगर मैनेजमेंट ढंग से नहीं होगा तो सब चीजें खराब हो जाएगी। तो स्पोर्ट्स के इवेंट के लिए सही तरीके से मैनेजमेंट रखने के लिए कुछ स्पेसिफिक आप लोग को यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, जिसको डिटेल में आपको पढ़ना है। सबसे पहले अगर आपको सही तरीके से इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना है तो प्लानिंग करनी होगी, डायरेक्टिंग करनी होगी, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग देखना होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला जो आप लोग का फंक्शन होता है उसका नाम है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है दोस्त? प्लानिंग का मतलब ये कि यार जो भी इंडिविजुअल चीज आप सोच के रख रहे हो कि यार मुझे ये गोल अचीव करना है या मुझे ये टूर्नामेंट को अच्छे से सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके बारे में पहले से एडवांस में सोच कर रखते हो कि कैसे उसको ऑर्गेनाइज कराना है, कहाँ कराना है, कैसे कराना है। मतलब उसके लिए पहले से एडवांस में जो भी चीजें आप लोग सोच के रख रहे हो, सो दैट सक्सेसफुली वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो सके, वो है प्लानिंग। बेसिक सी बात है, उसका बर्थडे आया है तो 5 दिन पहले से प्लानिंग की जाएगी, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों नहीं होगा। राजा जी, तो इन सब के बारे में प्लानिंग के इसमें हम लोग समझते हैं। तो प्लानिंग याद रखना हमेशा टूर्नामेंट से पहले होती है, या कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने से पहले होती है। बिना प्लानिंग के जो भी टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो, चाहे कोई भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो, उसका बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो वो भी खराब हो जाएगा। तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है उसका क्या नाम है। उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके अंदर आप लोग रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो भी चीजें लगने वाली उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कराने के लिए, सो दैट जो आपका गोल है वो सक्सेसफुली अचीव हो सके। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। शादी में भी ऑर्गेनाइजिंग के लिए कमेटी बनाई जाती है ना, जो सक्सेसफुली केटरिंग्स का काम देख रहा है, तो कोई इसका काम देख रहा है, उसका देख रहा है। भाईजान शादी वहां पे हो रही है, यहाँ शादी नहीं हो रही। अगला होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब ये कि यार मान लो आप लोगों ने सोचे कि यार हम कल GPL कराएंगे, गोकुलधाम प्रीमियर लीग, तो भाई इसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कराने के लिए आपने क्या करे, ढेर सारे कमेटी के लिए लोगों को बुला लिया, आपने क्या करे, ढेर सारे लोगों को बुला लिया। अब ये लोग क्या करेंगे, सारे काम एक ही करेंगे? ऐसा नहीं है भाई। आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी लोगों को आपने बुलाए हो इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, उनके लिए डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग काम, उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग, जिस चीज में वो ज्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। तो स्टाफिंग में हो सकता है आप किसी को रिसेप्शन कमेटी में डाल दोगे, हो सकता है
किसी को अनाउंसमेंट कमेटी में डाल दोगे, हो सकता है आप लोग किसी को ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटीज में डाल दोगे। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम उनके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग देने का काम स्टाफिंग के अंदर होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टाफिंग करोगे तो जो भी टूर्नामेंट है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा। अब अगला आप लोग का डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है जो एक किस्म से लीडर होते हैं उस इवेंट के, कि यार हमें सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कराना। देखो हर चीज में कोई ना कोई एक लीडर होता है, है ना, उसकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करवा भी रहे हो तो उसमें आप लीडर हो कि यार देख यार तू ना ये सामान लेकर आ जाना, तू वो लेकर आ जाना। मतलब लीडर क्या करता है, लीडर सक्सेसफुली गोल को अचीव करवाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई टीम मेंबर डीमोटिवेट हो गया तो भाई उसको मोटिवेट करेगा, कहीं गलतियां हो रही है तो उसको सुधरवाने की कोशिश करेगा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने का काम करेगा। तो यार याद रखो, किसी भी टाइप का स्पोर्ट्स के इवेंट को ऑर्गेनाइज कराओगे तो एक डायरेक्टर बनाना जरूरी है। वो डायरेक्टर हर कमेटी के मेंबर्स को चेकआउट करता रहेगा कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, अगर कोई गलतियां हो रही है तो उसको सुधारने की कोशिश करता है। तो डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये डायरेक्टिंग भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको देखने को मिलता है किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। अगला होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, याद रखना जो भी स्पेसिफिक लीडर है, मैंने आपको समझाया था, वो मॉनिटर करते रहेगा सक्सेस की तरफ। क्लियर दोस्त, यार क्या हम लोग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, पता चल रहा टीम मेंबर एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं वहां पे, ऐसी गलतियां ना हो, उससे बचने के लिए कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रोलिंग रहेगा तो प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाएगा। तो सेम टू सेम कंट्रोलिंग करना इवेंट में भी जरूरी होता है, अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो सब चीज खराब हो जाएगी। आप लोग को ये ऑब्जर्व करना है कि क्या परफॉर्मेंस सही तरीके से हो रही है कि नहीं, क्या कोई इरेगुलरिटी एक्टिविटीज तो देखने को नहीं मिल रही है इवेंट के टाइम पे, और जो हमारे मेंबर्स है क्या वो डेविएट तो नहीं हो रहे अपने स्पेसिफिक गोल से। ये सभी का ख्याल रखने का काम कंट्रोलिंग एक्टिविटीज के अंदर देखने को मिलता है। कंट्रोलिंग कौन करता है, डायरेक्टर लीडर ही करेगा ना भाई। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये थे फंक्शंस। एग्जामिनेशन में 3 नंबर का फंक्शन पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग, या फिर ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को पूछ सकता है इंडिविजुअल भी एक एक नंबर में, नहीं तो उसको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट से। याद रखना जब भी आप लोग आंसर राइटिंग करोगे तो आप लोग हमेशा पहले स्पोर्ट्स फंक्शन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, ऐसा एक छोटा सा डायग्राम बनाना ऐसे डब्बे डुब्बे। याद रखना फिजिकल एजुकेशन में अच्छे नंबर लाना है तो ब्लॉक डायग्राम्स बनाना जरूरी है। फिर उसके बाद आप लोग एक्सप्लेन करना कि प्लानिंग क्या होती है, क्या नहीं होती, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, ये ऐसे करके आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप लोग को मैंने कहा कि यार हम लोगों ने स्पोर्ट्स का इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिए, अब ऑर्गेनाइज करें तो ढेर सारे लोगों को बुलाए होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही ऑर्गेनाइज कर लोगे पूरा का पूरा प्रोग्राम। अरे उसका बर्थडे पार्टी भी आप अकेले ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, आपको 3-4 दोस्त लगेंगे अपने। तो सेम टू सेम यहां पे भी जब इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो ढेर सारे लोग लगेंगे। अब ये सभी के सभी जो ढेर सारे लोग हैं इन सबको क्या एक ही काम दोगे क्या तुम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर किसी के लिए आप लोग को अलग अलग काम देना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग कमिटीज बनाना पड़ेगा और हर कमेटी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो स्पेसिफिकली हम लोग यही पढ़ने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कमेटी क्या होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरियस टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कमेटीज। तो इसमें सबसे पहले कमेटी देख लेते हैं। कमेटी क्या होती है, बेसिकली एक ऐसे टाइप का ग्रुप जिसके अंदर उन लोगों को आप लोगों ने इसके अंदर रखे हो जो उस चीज के लिए एक्सपर्ट है। मान लो कि अगर कोई अनाउंसमेंट में बहुत अच्छा है, किसी को बहुत अच्छी स्पीकिंग स्किल है, तो आपने उसको अनाउंसमेंट कमेटी में रख दी। इस तरीके से अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं और उनके लिए इंडिविजुअल कमेटी बना दी जाती है। तो स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर भी ढेर सारी कमेटीज आपको देखने को मिलेगी। यहां जितनी कमेटी लिखी है जरूरी नहीं है इतनी ही होती, इससे अलावा भी बहुत सारी कमेटी होती है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है पब्लिसिटी कमेटी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इवेंट की पब्लिसिटी करने का काम ये करेगी, एड प्रमोशन इधर उधर हुआ। आप जानते होंगे IPL आता है तो कोई ना कोई आप लोग को एडवर्टाइजमेंट 1 महीने पहले से देखने को मिल जाते हैं। 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर जब क्रिकेट चालू होता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो मौका मौका वाले एड 15-20 दिन पहले से आने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब पब्लिसिटी कमेटी के अंदर का पार्ट। अगला होता है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। इसका काम क्या है कि यार जो भी स्पोर्ट्स पर्सन आया है उसको होटल से लेकर ग्राउंड तक के, ग्राउंड से लेकर होटल तक का मतलब बोर्डिंग एंड लॉजिंग का काम ये स्पेसिफिकली करते हैं। इसके अलावा डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, नाम से ही समझ में आ रहा है, अरे भाई जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी, ओपनिंग सेरेमनी होगी, उसमें जो भी डेकोरेशन होगा, इवेंट के टाइम पे जो डेकोरेशन होगा वो देखने का काम ये करेंगे, जो भी सेरेमनीज होंगी उसको देखने का काम ये करेंगे। बहुत बेसिक है, घबराओ मत, पॉइंट याद रखो, अंदर का खुद से लिख कर आ सकते हो आराम से। अगला है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। इनका काम क्या है कि यार जो भी ग्राउंड, मान लो हॉकी का मैच हो रहा है तो हॉकी का पूरा जो भी ग्राउंड है उसको प्रिपेयर करके अच्छे से रखना। पता चल रहा है मैच ऑर्गेनाइज करा दी, वहां जाके देख रहे तो गड्ढे खुदे हुए, ऐसी गलती ना हो सके इसलिए ग्राउंड कमेटी को यहां पे बनाया जाता है जो ग्राउंड का ख्याल रख सके। इसी के साथ साथ इक्विपमेंट कमेटी बनाना भी जरूरी है, अदरवाइज सोचो किसी का बैट टूट गया और वो बोल रहा है कि अब बैट नहीं है, मैच खत्म करते हो, बैट लेके चला गया, ऐसे में टूर्नामेंट खराब हो जाता है। तो ऐसी गलती ना हो सके इस वजह से इक्विपमेंट कमेटी बनाना जरूरी है। अब एक चीज याद रखना कि अगर आप
आपको ग्राउंड कमेटी के अंदर रखा गया, तो आपको ग्राउंड कमेटी का ही काम करना है। मतलब क्या, जो भी काम जिस कमेटी के अंदर आपको दिया जा रहा है उसी का करना है। पता चल रहा आप किसी की मदद वहाँ टेप चिपकाने में कर रहे हो सेरेमनी कमेटी में? मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। तो ऐसा नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना। इसके बाद अगला होता है कमेटी फॉर ऑफिशियल। याद रखो जितने भी ऑफिशियल्स आते हैं, लाइक रेफरी हो गए, एम्पायर हो गए, इन सब की पेमेंट देने का काम, इनका स्पेसिफिक ख्याल रखने का काम कमेटी फॉर ऑफिशियल करती है। तो इनके लिए जितने भी ऑफिशियल्स आते हैं ना, उनके लिए एक अलग से कमेटी बना दी गई है। हाँ या ना? अगली होती है अनाउंसमेंट कमेटी। सिद्धू पाजी हमारे हो गए या फिर आकाश चोपड़ा। फुल टॉस है, गेंद गई है 6 के लिए। ये सब आपको इस कमेटी के अंदर देखने को मिलेगा। इनका काम ये होता है कि जो भी टूर्नामेंट चल रहा है उसकी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे, वो भी लाइव इवेंट को देखते हुए, जिससे कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट का मजा बरकरार रहे वहां पे बैठे लोगों के लिए, और साथ ही साथ जो टीवी या फिर मोबाइल में स्पेसिफिक टूर्नामेंट को देख रहे हैं। इसके बाद अगला होता है फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी का काम क्या है कि यार मान लो किसी को चोट वोट लग गई, उसका पैर वैर टूट ताड़ गया, तो भैया फर्स्ट एड कमेटी आएगी, जल्दी से प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी जिससे कि वो ठीक हो सके। ऐसा नहीं कि पैर टूट गया फोन लगा रहे, हाँ डॉक्टर साहब कहाँ हो आप, आ रहे हो क्या, ठीक है जब तक मरने देते, ऐसा नहीं भाई। जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है वहां बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है, वहां पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं, तो एक फर्स्ट एड या फर्स्ट प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का काम ये कर पाते हैं कि किसी को चोट लग गई तो उसको इंस्टेंट ट्रीटमेंट दे सके। अगली होती है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी तो सबसे ज्यादा मजबूत होती है, ये पैसों का ख्याल रखने का काम करती है कि यार कौन कौन स्पॉन्सर्स रहने वाले हैं, टाइटल स्पॉन्सर, फलाना स्पॉन्सर, सीएट टायर, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। तो सीएट ने क्या करा, स्पेसिफिकली फाइनेंस किया। तो फाइनेंस कमेटी क्या करती है, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कंपनीज को कहती है कि आप हमारे साथ स्पॉन्सर करना चाहते हैं, यहां से पैसा आता है, फिर कमेटी का पैसा आता है। तो देखो फाइनेंस कमेटी बता पाएगी कि टूर्नामेंट किस बड़े से बड़े लेवल का हो पाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जा सकता है। तो फाइनेंस कमेटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी होती है पूरे के पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इनका काम मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है। अगली होती है कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। आपने देखे होंगे चीयर लीडर्स नाचते गाते रहती है, ये सब वहां पे आप लोग को देखने रहेगा। इसी के साथ साथ रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करने का काम प्लेयर्स को हो गया, ऑफिशियल्स को हो गया, इनको प्रोवाइड करने का काम के लिए कमेटी बना दी गई है। इनके अलावा भी और ढेर सारी कमेटी होती है, जैसे टेक्निकल काम के लिए टेक्निकल कमेटी बना दी गई। आप देखते होंगे स्टेडियम में बड़े बड़े लाइट्स रखते हैं, तो उन लाइट्स को मैनेज करने के लिए एक पूरी कमेटी बना दी गई। कैमरा वगैरह आप देखते हो इधर से उधर होते रहते, तो कैमरा के लिए स्पेसिफिक कमेटी होती है, वो बना दी गई। आपका एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग मुझे लगभग 5 कमेटी खुद से सोचकर बताएंगे रैंडमली कि कौन कौन सी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि रट के जाना यही है, आप खुद से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 कमेटी के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से मैं सारों के कमेंट्स देखूंगा। तो चलिए भाई अगली बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। बेसिक सी बात है यार भाई कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको उठाना पड़ेगा। आपकी भले ही गर्लफ्रेंड नहीं हो लेकिन आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड की पार्टी है, अपने दोस्त के सारे काम करने रहेंगे। मतलब हो सकता है कि उसके बच्चा बाबू के लिए आपको टेडी बियर लेने जाना पड़े, भले ही आपका कोई नहीं है, सोसाइटी की एंटी आपको देख ले टेडी बियर ले जाते हुए और पूरे सोसाइटी में आपका नाम बदनाम हो जाए आपके दोस्त के लिए। लेकिन क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। चल बस लायक है क्या, काम करने दे। तो चलिए बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यार स्पोर्ट्स में आप लोगों को 3 तरीके की देखने को मिलती है, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, टूर्नामेंट जब चल रहा है उसके बीच में, टूर्नामेंट जब खत्म हो चुका है उसके बाद। तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको जानते हैं। सबसे पहले बजट प्रिपेयर करना रहता है, खर्चा पानी कितना करना है, कितना हद तक के हम कर सकते उनको प्रिपेयर करने का काम किया जाएगा। अलग अलग कमेटीज बनाने का काम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी जाती है। इसके अलावा क्या क्या प्राइस देने वाले, पता चल रहा आप लोगों ने बोले कि टाटा हैरियर दे रहे हो और टाटा नैनो दे दिए हो, वो बात अलग है कि आज के टाइम पे टाटा नैनो की ज़्यादा इज्जत है क्योंकि वो लॉर्ड टाटा नैनो हो चुकी है। जब से उसने थार को गिराई है, तो चलिए भाई इसी के साथ साथ क्या क्या सर्टिफिकेट देने वाले हो ये सब पहले से डिसाइड करके रखना है। कब मैच होने वाला है, कहाँ मैच होने वाला है, कैसे मैच होने वाला है, इन सब के बारे में बताकर रखना जरूरी है। अगली बात करते हैं टूर्नामेंट जब चल रहा है उस बीच में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। देखो पहली चीज तो प्रॉपर डिसिप्लिन बना रहना चाहिए पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, साथ ही साथ जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके बीच में और इंडिविजुअल कमेटीज के बीच में। अगर लोग ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो पूरा टूर्नामेंट खराब हो जाएगा। अगली चीज प्रॉपर रिकॉर्ड बनाकर रखना जरूरी है। पता चल रहा महेंद्र सिंह धोनी ने 50 रन बनाए हैं और वहां पे 10 रन बता दिए, तो भाई लड़ाइयां हो जाएंगी। इसी के साथ साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब टूर्नामेंट चलता रहता है उस बीच में ना प्रॉपर अपडेट प्रोवाइड करना जरूरी है कि यार आज मैच किसका है, कल किसका होने वाला था और आज किसने कितने रन बनाया, किसने कितने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, इन सब के बारे में आप देखते हो ना प्रिंट मीडिया हो गया आपके न्यूज़पेपर वगैरह में पूरा अप टू डेट इंफॉर्मेशन आती रहती, तो वो सब आप लोगों को प्रोवाइड करना जरूरी रहता है। इसके बाद बात करें कि यार पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, तो याद रखना जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है उसके बाद यार रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि
आप सही तरीके से प्राइजेस दे सको, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सको विनर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। हाँ या ना, इसी के साथ साथ जो ऑफिशियल्स आए उनको ऐसा ना करो कि यार नमस्कार जी बहुत अच्छा लगा आपने एम्पायरिंग करे, आपसे बड़ा अच्छे से उंगली कोई नहीं उठा सकता है ना, सबका मालिक एक, आप बहुत अच्छा लगा धन्य है आप जा सकते हैं, आप ऐसा नहीं भाई, उनके पैसे भी उनको देना जरूरी है वरना एम्पायर ऐसे मारेंगे ना पकड़ के। अब जो चीफ गेस्ट आए उनका आदर सम्मान करना भी जरूरी है कि आप आए बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसी के साथ साथ अप टू डेट रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, आपको सारे रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करके रखना ज़रूरी रहता है, और पोस्ट टूर्नामेंट के टाइम पे क्लोजिंग सेरेमनी भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये ना सोचें कि जो यहाँ लिखा है सिर्फ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट बुक जो मेरी वाली टेक्स्ट बुक है फिजिकल एजुकेशन की उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, उसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को मिल जाएंगे। बाकी हाँ ये सफिशियंट है, बट हाँ इनरिच करना है नॉलेज को तो एक बार बुक से मेरी रीड कर लेना। अब बात करते हैं टूर्नामेंट और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ टूर्नामेंट होता क्या है, तो टूर्नामेंट का मतलब एक टाइप का कंपटीशन जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टीम्स एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करती है और उनके बीच में मैचेस होते हैं, जो भी टीम जीतते जाएगी वो टूर्नामेंट में आगे बनेगी और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे एक टीम विनर निकल के आए और बाकी सारी की सारी आप लोग को लूजर देखने को मिले। तो टूर्नामेंट एक किस्म का ग्रुप का कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पर ढेर सारी टीम्स या ढेर सारे कंपिटिटर्स पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद एक विनर निकल के आता है और बाकी सभी लूजर रहते हैं। तो टूर्नामेंट अलग अलग इवेंट पे ऑर्गेनाइज होता है। आप मुझे बताओ जरा हॉकी के कौन कौन से आपके फेवरेट टूर्नामेंट है, क्रिकेट के तो बता दोगे, मैं हॉकी का पूछ रहा हूँ, बैडमिंटन का बताओ जरा, टेनिस का बताओ। इसी के साथ साथ याद रखना जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं ये आप लोग के नेशनल लेवल पे हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकते हैं, जोनल लेवल पे हो सकते हैं, अपन तो गली नुक्कड़ लेवल वाले थे, अपन गली में खेल लेते थे, वहाँ पे भी होता था GPL गोकुलधाम प्रीमियर लीग वहाँ पे भी होते, तो हर टाइम पे आप लोगों को टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे। टूर्नामेंट का कोई बेनिफिट होता है क्या, हाँ एक चीज समझो, जैसे जैसे आप टूर्नामेंट खेलोगे वैसे वैसे आप अपनी स्पोर्ट्स की स्किल को डेवलप कर सकते हो। अगर आप लोगों ने MS धोनी मूवी देखी होंगे तो उसमें जब वो धोनी वो रेल मिनिस्टर से पूछते कि यार मैं क्या टेनिस मैचेस खेलूं इससे मेरा परफॉर्मेंस तो खराब नहीं होगा, तो वो क्या कहते हैं उनको, वो ये कहते हैं किसने कहा ये, तेरा तो परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आप खेलोगे उतना ज्यादा आप अच्छा इंप्रूव होंगे, उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी के चांसेस मिलेंगे। ये चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। टूर्नामेंट कौन कौन से आप लोग को देखने को मिलते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ, और याद रखना किसी भी टूर्नामेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करना है तो प्लानिंग अच्छी करना जरूरी है, तभी हो पाएगा वरना खेल खत्म। चलिए भाई, तो टूर्नामेंट के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टूर्नामेंट्स के लगभग दो टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम है नॉकआउट टूर्नामेंट। इसके दो नाम और है, एक और नाम है एलिमिनेशन टूर्नामेंट और एक और नाम है डू और डाई टूर्नामेंट। इसमें होता क्या समझो, जब एक टीम दूसरी टीम के साथ मैच खेल रही है, मान लो एक टीम हार गई दूसरी टीम जीत गई, तो जो जीत गई टीम वो टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगी और जो हार गई वो टूर्नामेंट से डायरेक्टली बाहर हो जाएगी। समझ में आया, तो डू और डाई इसलिए कहा जाता है। कई बार आपने देखी होंगी कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और इस बार चांस है पाकिस्तान के पास, करो या मरो का, तो ऐसे हेडलाइन बनाया जाता है। मतलब क्या, वो नॉकआउट टूर्नामेंट के टाइम आ चुका है, मतलब इससे मतलब ये कि अगर पाकिस्तान हारी तो वो टूर्नामेंट से बाहर और इंडिया जीत जाएगी, तो ऐसे आप लोग को देखने को मिलता रहता होगा। तो यहाँ विनर कैसे डिसाइड होता है, तो याद रखना जो टीम जीतते जाएगी उसके हिसाब से ही विनर डिसाइड होता है और जो टीम हारेगी वो डायरेक्टली बाहर हो जाएगी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं, देखो ये टूर्नामेंट ना कम टाइम के अंदर हो जाता है तो ये एक बेनिफिट है, पैसे भी बच जाते हैं। इसी के साथ साथ यार इसके कुछ डिसएडवांटेज ये भी है कि यार मान लो अगर किसी टीम का दिन ही नहीं था, मान लो अपन लोग खेलने गए थे सारी टीम बना के और आज अपन हार गए, तो कई बार होता है ना कि कई अच्छी अच्छी टीम भी कुछ मैचेस हार जाती है, तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ अच्छी अच्छी टीम्स ना डायरेक्टली एलिमिनेट हो सकती है, उसका एक डर है, तो ये एक स्पेसिफिक इसका डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। मैं कह सकता हूं कि हर टीम को ना इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, तो एक किस्म से इसका डिसएडवांटेज है। अगला होता है लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट के भी आप लोग को लगभग दो और टाइप के नाम देखने को मिलेंगे, एक होता है बर्जर सिस्टम और एक होता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। और लीग टूर्नामेंट तो होता ही है। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, मान लो ए टीम और बी टीम खेल रही और मान लो ए टीम हार गई, तो जैसे नॉकआउट में ए टीम एलिमिनेट हो गई थी टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, ऐसा नहीं होगा। ए टीम के पास एक या एक से ज़्यादा चांसेस है कि वो टूर्नामेंट में अभी भी खेल सकती है और टूर्नामेंट में अपना परफॉर्मेंस अच्छा करके आगे बढ़ सकती है। अब आप बोलोगे भैया इसमें विनर्स कैसे डिसाइड होंगे, तो याद रखना जो जितनी टीम्स जितने मैचेस जीतेंगी उनको उतने पॉइंट्स मिलेंगे, तो जिसके फिक्स्चर्स में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे वो विनर कहलाएगी और जो हारेगी उसको तो पॉइंट मिलेंगे ही नहीं, तो ऐसे करके ना उसका जो रैंकिंग है वो नीचे आते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो लीग टूर्नामेंट आप देखते होंगे IPL जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में लाइक KKR वर्सेस CSK हो रहा है, मान लो KKR हार गई तो उसको कोई पॉइंट नहीं मिलता, CSK को एक पॉइंट मिल गया तो टेबल पॉइंट में आप देखते होंगे ऊपर आ जाती है। तो स्टार्टिंग में ना जितने भी मैचेस होते हैं IPL के अंदर वो लीग मैचेस होते हैं,
कि जो टीम हार भी गई उसके पास लगभग एक या एक से ज्यादा चांसेस रहते हैं टूर्नामेंट में बने रहने। अब मैंने कहा कि जो टीम हार गई उनके पास एक या एक से ज्यादा चांसेस है। तो याद रखना ऐसे टाइप का लीग टूर्नामेंट जिसमें कि अगर कोई टीम हार जाती है उसको एक चांस और मिलता है कि वो टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखा सके, तो ऐसे टाइप के टूर्नामेंट को कहते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट। और मान लो जो टीम हार गई उसको अगर दो चांसेस मिल गए तो उसे कहा जाता है डबल लीग टूर्नामेंट। तो समझ में आया, तो सिंगल लीग टूर्नामेंट में हारने वाली टीम को एक चांस दिया जाता है और डबल लीग में हारने वाली टीम को लगभग दो चांसेस दिए जाते हैं जिससे कि वो टूर्नामेंट में बने रह सके। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे विनर्स पॉइंट टेबल के हिसाब से डिसाइड होते हैं, जो जितने ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करेगा वो विनर है। अब आप बोलोगे भैया इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, हाँ जी, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पा रही। मान लो आपका एक दिन नहीं था उस दिन, तो अगले दिन अच्छा खेल सकते हो, तो ये कोई ये नहीं कहेगा ना कि यार हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज में भाई ये टूर्नामेंट बहुत लंबे वक्त तक चलते रहते, बहुत पैसा खर्चा होता है इसमें, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इसके थ्रू ना हमारे को ट्रू विनर पता चलता है, असली हकदार। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसी के बाद आता है अगला कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ना कोई नए टाइप का टूर्नामेंट नहीं, इसमें क्या किया गया, जो लीग टूर्नामेंट है और नॉकआउट टूर्नामेंट है उन दोनों को कंबाइन करके चार नए फॉर्म बना दिए गए। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है कि जितनी भी नंबर ऑफ टीम्स आ रही है, मान लो 16 टीम्स आई, तो आपने क्या करे फोर ग्रुप्स बना दिए, फोर ग्रुप्स के अंदर फोर फोर टीम्स को रख दिए। तो देखो फोर ग्रुप के अंदर फोर फोर टीम्स, तो कितने हो गए टोटल भाई, पूरी 16 टीम हो गई ना। तो सबसे पहले क्या होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर सभी लोग अपने जोन के बेसिस पे मैचेस खेलते हैं, मतलब क्या अपने ग्रुप वाइज मैचेस खेलते हैं। मैंने कहा ना कि फोर जोन बन गए तो उनके बीच में पहले इंडिविजुअल मैचेस होंगे। लाइक मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ सो दैट अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं यहाँ से मैंने जोन डी बना दिया और मैंने क्या करा हर जोन के अंदर फोर फोर टीम्स को रख दिया। मान लो हमारी टोटल नंबर ऑफ टीम 16 आई थी, तो हर जोन के अंदर आप लोग को फोर फोर टीम देखने को मिल रही है। तो पहले क्या होगा कि सारी टीम्स ना जोन वाइज मैच खेलेगी, तो जो चार टीम इसके अंदर होगी, 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 पहले वो एक दूसरे के साथ मैच खेलेगी और हर जोन के यहाँ पे विनर निकल के आएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो चार विनर्स निकल के आ गए आप लोग के पास। अब ये जो चार विनर निकल कर आए हैं फिर फाइनल के टाइम पे इनके बीच में मैच होता है। तो बेसिकली होता क्या है, पहले जोन लेवल पे मैचेस होते हैं, उनके विनर्स निकल के आते हैं और फिर विनर्स के बीच में मैच होता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में आपको मैचेस देखने को मिलते हैं। याद रखना कॉम्बिनेशन में आपको ना ऐसा लिखा रहेगा डैश कम डैश, हो सकता है यहाँ पे आप लोग को लिखा हो नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, या फिर लीग कम नॉकआउट। तो इसका एक फंडा है जो कम से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये, मतलब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉकआउट टूर्नामेंट है, मतलब क्या कि जोन लेवल पे जो मैचेस होंगे वो नॉकआउट बेसिस पे होंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ लीग तो इसका मतलब ये कि जोन बेसिस पे जो मैचेस होंगे वो लीग बेसिस पे होंगे। कम के बाद जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कि जो विनर्स थे जोन के बीच में उनके बीचेस में जो मैचेस होने वाले हैं वो इसके बेसिस पे डिसाइड होगा। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ लीग, इसका मतलब ये कि जो विनर्स के बीच में मैचेस होंगे वो लीग बेसिस पे होंगे या हो सकता है नॉकआउट बेसिस पे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग को चार फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है नॉकआउट कम नॉकआउट, मुझे बताइए क्या होगा, जोन बेसिस पे नॉकआउट मैचेस और उनके विनर्स के बीच में भी नॉकआउट मैचेस। लीग कम लीग में जोन लेवल पे लीग मैचेस, उनके विनर्स के बीच में भी लीग मैचेस। नॉकआउट कम लीग जोन लेवल पे नॉकआउट मैचेस, उनके विनर्स के बीच में लीग मैचेस। लीग कम नॉकआउट जोन लेवल पे लीग मैचेस, मतलब ग्रुप जो बनाए गए थे ना उनके बीच में लीग मैचेस और उनके विनर्स के बीच में नॉकआउट। तो आप देखते होंगे मैक्सिमम आईपीएल हो गया, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो गया, उसमें ना ज्यादातर लीग कम नॉकआउट के बेसिस पे ही मैचेस होते हैं। देखते होंगे ना आप लोग क्रिकेट में दो ग्रुप बना दिए जाते हैं, पहले ग्रुप वाइज मैचेस होते हैं, फिर उनके जो ग्रुप के जो विनर्स निकल के आते हैं दो दो, उनके बीच में फिर नॉकआउट मैच हो जाते हैं फाइनल में। तो ऐसे करके मैचेस आप लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ ग्रुप ए बन गया, ग्रुप बी बन गया, ग्रुप सी बन गया, ग्रुप डी बन गया। देखो यहाँ पे जितने ग्रुप वाइज मैचेस हो रहे हैं टीम्स के बीच में ये नॉकआउट बेसिस पे हो रहे हैं और उनके जो विनर्स निकल कर आए हर ग्रुप के उनके बेसिस पे यहाँ पे नॉकआउट मैचेस हो रहे हैं। तो ये क्या है नॉकआउट कम नॉकआउट। अगला जो आप लोग देख पा रहे होंगे ये है नॉकआउट कम लीग। तो इसमें देखो सबसे पहले जोन लेवल पे नॉकआउट मैच हो रहे हैं, उनके विनर्स के बीच में लीग मैचेस हो रहे हैं। इसके बाद लीग कम लीग है जिसमें देखो सारे ग्रुप्स के बीच में लीग मैचेस हो रहे हैं और उनके विनर्स के बीच में भी लीग मैचेस हो रहे हैं। लीग कम नॉकआउट, तो इसमें देखो तो सारे ग्रुप्स के बीच में लीग मैचेस हो रहे हैं और उनके विनर्स के बीच में नॉकआउट मैचेस। अब आप बोलोगे भैया ये सब बनते कैसे हैं, तो टेंशन ना लो, चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट जिसमें मैं डेडिकेटली फिक्स्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप बोलोगे भैया ऐसा मत करो, जो चैप्टर को एक बार में पूरा पढ़ाओ, सिर्फ चैप्टर 1 दो पार्ट में बनेगा, एक फिक्स्चर्स के लिए अलग और एक पूरा रिमेनिंग टॉपिक जो फिक्स्चर्स के अलावा, बाकी सारे चैप्टर्स आप लोग को एक एक वीडियो के अंदर ही देखने को मिलने वाले, टेंशन ना लो। चलिए भाई तो अगले टॉपिक की बात करते हैं, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है। इंट्राम्यूरल ऐसे टाइप के स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जिसमें कि
जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन खेल रही है उन्हीं के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है जिसमें क्या होता है, आपके स्कूल के ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, विद इन द वॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। ऐसे टाइप के जो आप लोग के टूर्नामेंट्स होंगे या इवेंट्स होंगे उन्हें हम लोग इंट्रा म्यूरल कहते हैं। इसमें याद रखिएगा इंट्रा और म्यूरल वर्ड जो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहे हैं ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है विद इन द वॉल। इसमें आप लोग को इंटर क्लास कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है विद इन द इंस्टीट्यूट, चाहे वो कॉलेजेस में हो चाहे आपके स्कूल में हो। अब क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं यार इनके, क्यों करवाए जा रहे हैं? तो याद रखना इससे होता है ये कि यार हमारे स्कूल्स में हो सकता है कि यार इतना पढ़ाई का बर्डन होकर जब स्पोर्ट्स डे आता है तो एक अलग ही इंजॉयमेंट रहता है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं, हम लोग अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं, तो इनके बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे वेरियस स्पोर्ट्स स्किल डेवलप कर पाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, नए नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है ना। इसी के साथ साथ आप लोग रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाते हो और साथ ही साथ सोशल इंटरेक्शन आप लोग का बढ़ता है और स्पोर्ट्स की स्किल डेवलप होती है और आप लोग रिफ्रेश हो पाते हो। इसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं? तो इसके सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप स्पोर्ट्स डे में अच्छा पार्टिसिपेट करते हो ना तो फिर आपका स्कूल सोचता है कि यार जब स्कूल कंपटीशन होगा मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन होगा तो हमारे स्कूल से ये बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, मतलब पार्टिसिपेशन का या सिलेक्शन का मौका बढ़ जाता है आप लोग का। इसी के साथ साथ आप लोग की लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है इसके साथ। इसके अलावा जो हिडन टैलेंट रहता है, कई ऐसे बच्चे रहते जो पढ़ाई में कमजोर है लेकिन जैसे स्पोर्ट्स की फील्ड में आते बॉलिंग ऐसी डालते कि स्टंप के चार टुकड़े हो जाते हैं, मतलब वो फेमस हो जाता है पूरे के पूरे स्कूल में। ध्यान से, वो हमारा हीरो है। देखो जो स्पोर्ट्स डे में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा दिया वो पूरे स्कूल में फेमस हो गया। ये सभी के सभी आप लोग को सिग्निफिकेंट देखने को मिलेंगे। अगला क्या है? अगला है एक्स्ट्रा म्यूरल। देखो इंट्रा म्यूरल क्या था? ऐसी एक्टिविटी जो विद इन द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन हो रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी जो आउटसाइड द वॉल हो रहे, मतलब क्या लाइक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन, दीज आर दी एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म आउटसाइड द वॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये कि सिर्फ स्कूल में ही नहीं अब स्कूल के बाहर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस टाइप से जो कॉम्पिटिशन आप लोग को देखने को मिलते हैं वो एक्स्ट्रा म्यूरल आप लोग को देखने को मिलते हैं। या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? पहली चीज स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस आपका अच्छा होता है, जब आप दूसरे लोगों के साथ खेलोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि यार अपना लेवल क्या है उनका लेवल क्या है, कई चीज़ें सीखने को मिलती है, नए रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जानने को मिलता है और साथ ही साथ स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी और फ्रेटर्निटी की भावनाएं आपके दिल में बढ़ती है। तो याद रखना आप लोग के पास एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आपने कई बार क्या होता ना कि यार मान लो आपके सिटी के अंदर स्कूल कॉम्पिटिशन हो रहे हैं इंडिविजुअल स्कूल्स के कंपटीशन, तो आपकी सिटी की जब टीम बनेगी क्रिकेट की तो हो सकता है कि यार ये बंदे ने ना बहुत अच्छा स्कूल में खेला था, ऐसा पता चला था इंटर स्कूल कंपटीशन में, इसको पार्टिसिपेशन देना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज के थ्रू भी आपका सिलेक्शन रेशियो बढ़ रहा है, इसके थ्रू आप लोग स्पोर्ट्स के स्किल को और अच्छे से डेवलप कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपनी एथिकल वैल्यूज को डेवलप कर सकते हो, आपकी ना यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है आपकी मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए और साथ ही साथ एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज के साथ अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आगे जाके आपका करियर भी बेस्ट हो सकता है स्पोर्ट्स की फील्ड में, क्योंकि जब आपकी दुनिया भर में बातें होगी तो डेफिनेटली आप लोग को हर टीम लेना चाहेगी, आप लोग के पास आगे जाके हो सकता है आईपीएल का भी ऑफर आ जाए, क्या बात है। चलिए भाई ये था आप लोग का एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज, याद रखना इनके ऊपर आप लोग को दो नंबर या तीन नंबर का डेफिनेशन बनेगा। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, तो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या होते हैं? देखो जो अभी तक के स्पोर्ट्स प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे वो टूर्नामेंट्स थे, ऐसे टाइप के जो प्रॉफिटेबल टूर्नामेंट है, ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं ये नॉन प्रॉफिटेबल टूर्नामेंट होते हैं, मतलब क्या इनका ना कुछ एक एम होता है, उद्देश्य होता है, सोसाइटी को कुछ यहाँ पे बताना चाहते हैं ये स्पेसिफिक इवेंट। तो आइए जानते हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या होते हैं। तो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऐसे टाइप के प्रोग्राम होते हैं जो स्पेसिफिकली क्रिएट करना चाहते हैं अवेयरनेस किसी भी इंडिविजुअल चीज के लिए, चाहे हेल्थ के लिए हो सकता है, चाहे फिटनेस के लिए हो सकता है, चाहे फन के लिए हो सकता है, यूनिटी के लिए हो सकता है, ब्रदरहुड के लिए हो सकता है। तो ऐसे टाइप के कुछ आप लोग को ना इवेंट देखने को मिलते हैं जिनका किसी ना किसी चीज़ का उद्देश्य होता है। तो आप देखते होंगे काफ़ी सारी मैराथन कराई जाती है कि लाइक इबोला वायरस से लड़ने के लिए एक मैराथन हो रही है, मतलब क्या उस मैराथन में जो भी फंड कलेक्ट होगा वो अफ्रीका में जो लोग सफ़र कर रहे हैं इबोला वायरस से उनको दिया जाए। तो इस टाइप से आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलता है। तो याद रखना इन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने का मेन एम क्या है कि अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सके, साथ ही साथ मदद कर सके और इसके थ्रू जो भी चैरिटेबल फंड कलेक्ट हो रहा है उनको प्रोवाइड करा जा सके जो इसके असली हकदार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये नॉन प्रॉफिटेबल इवेंट टाइप का आपको देखने को मिलता है। इसमें जो सबसे पहले आप लोग को प्रोग्राम देखने को मिलता है उसका नाम है स्पोर्ट्स डे। तो स्पोर्ट्स डे क्यों स्कूल में ऑर्गेनाइज कराया जाता है? बेसिक सी बात है यार कि जो भी बच्चा वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, स्कूल के बर्डन को भूल कर वहां किसी को अपनी दोस्त बनाने की जगह अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ध्यान देता तो उसकी फिजिकल फिटनेस डेवलप होती, मेंटल डेवलपमेंट होता और अपने आप को रिफ्रेश कर पाता, वो बात अलग है कि इसका रिफ्रेशमेंट भी हो रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना। याद रखिएगा स्पोर्ट्स डे में वो जब पार्टिसिपेट करेगा तो इंडिविजुअल के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, एक्सपीरियंस गेन करेगा उस स्पोर्ट्स के लिए, नए नॉलेज उसको पता चलेंगे, नए रूल एंड रेगुलेशन पता चलेंगे, बहुत सारी बेनिफिट्स आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ आगे जाके हो सकता है कि आपके अंदर एक कोई हिडन टैलेंट हो, वो आपका आगे जाके फ्यूचर बना दे। तो स्पोर्ट्स डे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है कि कमाई करना, ऐसा नहीं कि हाउस, ये जो हाउस जीतेगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, फ्री में सब चीज चलती रहती है। मेन चीज याद रखना है एंजॉयमेंट के लिए होता है, रिफ्रेशमेंट के लिए होता है, फिजिकल फिटनेस के लिए होता है, क्लियर दोस्तों? और बच्चों का जो इतना पढ़ाई में बर्डन क्रिएट हो गया उसको थोड़ा सा हटाने के लिए होता है, क्लियर है भाई? स्पोर्ट्स डे कब होता है, स्पोर्ट्स डे की स्पेसिफिक तारीख बताओ कौन से अगस्त में आता है। अगली बात करते हैं हेल्थ रन। तो हेल्थ रन एक किस्म का मैराथन है जिसमें कि लोग आएंगे दौड़ेंगे, ये कोई रेसिंग नहीं है कि मैं जीता, मैं हम फर्स्ट। ये किस्म का मैराथन है जिसमें सब लोग को दौड़ना है, और बेसिकली इसका एक मेन एम होता है, उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ इसमें अवेयर किया जा रहा है। क्या चीज़ अवेयर किया जा रहा है? इसमें अवेयरनेस होता है कि लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान दे सके, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक किस्म की मैराथन दौड़ी जाती है। जो भी यहाँ पे पैसा कलेक्ट होता है उन चैरिटी को दे दिया जाता है, और हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और बेसिकली याद रखना ये प्रोग्राम जो है हेल्थ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसको करवाता है ऑर्गेनाइज। तो याद रखना इस मैराथन में किसी भी टाइप का कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही है, और उसमें पार्टिसिपेट हर कोई कर सकता है, हर एज के लिमिट के बच्चे लोग कर सकते हैं, बूढ़े लोग कर सकते हैं, जवान लोग कर सकते हैं, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगला होता है रन फॉर फन। रन फॉर फन क्या होता है भाई? हेल्थ रन जैसा ही। इसका भी मेन एम क्या है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने आप को फिट और हेल्दी रख सके। अब इसका रन फॉर फन क्यों नाम रखा गया कि यार जब ढेर सारे लोग यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करेंगे और सब, मान लो आपने अपनी पूरी सोसाइटी के लोग को बुला लिया, बढ़िया दौड़ रहे हो, तो मजा मस्ती करते हुए आप यहाँ पे दौड़ रहे हो, लोगों को अवेयर भी कर रहे हो, साथ ही साथ जो चैरिटी का पैसा कलेक्ट होगा उन लोग को चला जाएगा जो हेल्थ रिलेटेड काम कर रहे हैं। और याद रखना हर एज के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई बाउंडेशन नहीं होता। अगला होता है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। अब यार ये क्या टॉपिक है, मतलब ऐसी दौड़ करवाओ जिसका कोई एक स्पेसिफिक कॉज हो। सकता है कि आप रन फॉर एड्स करवा रहे हो, रन फॉर इबोला वायरस करवा रहे हो, रन फॉर कहीं पे बाढ़ आ गई उसके लिए करा रहे हो, है ना? जिसके थ्रू ये रन कराने का मेन एम क्या है कि यार पहली चीज तो अवेयर कर सके कि यार यहाँ पे एक ऐसा इवेंट हुआ है, नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया है, जिससे कि हम लोग फंड कलेक्ट कर सके और नेपाल भेज सके। तो ये बेसिकली इनका ऐसा काम रहता है कि स्पेसिफिक कॉज पे जो भी कॉज है, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी टर्की में भूकंप आया था तो उसके लिए एक रन करा दिया गया, मान लो अमेरिका में, तो जो उसका पैसा कलेक्ट हुआ वो टर्की भेज दिया गया, ऐसा इनका एक मेन एम होता है, क्लियर दोस्त? ये रन कराओ और जो भी लोग सफर कर रहे हैं उनके लिए जो पैसा कलेक्ट हुआ उन चैरिटी को प्रोवाइड कर दो जिसके थ्रू उनकी हेल्प कर सके। बाकी रन फॉर फन भी इसके अंदर ही आ सकता है, हेल्थ रन भी इसके अंदर आ सकता है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो याद रखिएगा इसका एक मेन एम होता है हमारे। आप बताओ ना जरा, आपने कभी किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करे हो क्या, ऐसी कोई रन वाली मैराथन वगैरह जो चैरिटेबल फंड कलेक्ट कर रही हो और उन लोग को प्रोवाइड कर रही हो जिनको इनकी जरूरत हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला होता है रन फॉर यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या? भाईचारे के लिए यहाँ पे, मतलब आप जानते हो आज के टाइम पे यार हमारे सोसाइटी में रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वो हो गया है, एक किस्म से पोलराइजेशन हो गया है ना, देख रहे होंगे आज के टाइम पे आप लोग, हो सकता है कि कास्ट के बीच में एक दूसरे में पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि यार कोई एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइप की रन कभी कभी कराई जाती है जो यूनिटी के लिए होती है। यूनिटी मतलब क्या कि यार भले ही आप किसी भी रिलीजन से हो, भले ही आप किसी भी कास्ट से हो, भले ही आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, भले ही आप साउथ इंडिया से हो या नॉर्थ इंडिया से, कहीं से भी हो, भले ही आप किसी भी रेस से बिलोंग क्यों ना करते हो, हम इस रन में आएंगे और उन सब चीज़ों को भूल जाएंगे और इंसानियत के नाते हम लोग इस रन को करने वाले हैं, जिससे कि हम ये बताएंगे कि हम सब इंसान हैं और हम सब भाई बहन हैं या हम सब एक फैमिली है। तो बेसिकली इसका ये मेन पर्पस होता है, सब लोग भाई बहन हैं। बेचारे वो कमेंट में लड़के लोग बोल रहे हो कि भैया जिसको मैं क्रश मान रहा था उसको बहन बना दिए, तो ऐसा नहीं है, याद रखना। तो रन फॉर यूनिटी आप लोग को ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास देखने को मिली थी हाल ही में, आप मुझे बताना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके लिए बनाई गई है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ तक ये था आपका टॉपिक, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो मुझे ज़रूर फॉलोअप करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याले, और अगर आप मेरे साथ डेडिकेटली फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मैंने आप लोग के लिए नई सीरीज निकाला हूँ पार्टी सीरीज, उसको देख लेना, वन शॉट वीडियोस कवरअप करवा रहा हूँ फिजिक्स 2023-2024 के लिए। अनअकैडमी मुझे फॉलोअप कर सकते हो अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो, और इंस्टा में ज्वाइन कर लेना सो दैट हमेशा हम लोग ज्वाइन रहेंगे। और सेकंड पार्ट जिसमें डेडिकेटेड फिक्स्चर्स पढ़ने वाले वो जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा इस चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों को वीडियो शेयर करें कि जकी भैया ने सेशन चालू कर दिए हैं, तो आई एम रियली सॉरी वीडियो थोड़ा लेट चालू हुआ उसके लिए, बट हाँ
मैं कभी ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ कि यार एग्जाम से दो दिन पहले बना लो, क्योंकि मैं उस टाइम पे व्यूज के चक्कर में वीडियोस नहीं बनाता हूँ फिजिकल एजुकेशन के। मैं डे वन से बनाना चाहता हूँ कि यार यूनिट टेस्ट में भी काम आ सके, हाफ ईयरली में, क्योंकि ये डेडिकेटली चैनल फिजिकल एजुकेशन का। तो होप सो आप लोग को मेरा काम अच्छा लगा तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पापा इस दुनिया का पापा।